सो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं मसूरी, देहरादून के रास्ते से होते हुए, और मसूरी में जाएंगे कैम्पटी फॉल और वहाँ की थोड़ी मार्केट वगैरह घूमेंगे। लेकिन मैं टी शर्ट तो चेंज ही करना भूल गया, बस एक मिनट में करी। तो मैं कहाँ पर था, मैं बता रहा था कि हाँ मसूरी जा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा बहुत कैम्पटी फॉल में नहाएंगे वहाएंगे और थोड़ा वहाँ इन्जॉय करेंगे। और टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं और मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, और यहाँ से मसूरी है कोई 94 किलोमीटर, अराउंड 3 घंटे लगेंगे पहुँचने में, और अगर रास्ता बढ़िया मिला तो 2.5 घंटे पहुँच जाएंगे। वहाँ जाके होटल लूँगा, सामान वगैरह रखूँगा और निकल पड़ूँगा घूमने। सो लेट्स गो। मौसम बढ़िया तो नहीं है कह सकते, हल्की हल्की धूप है लेकिन ठीक है, पहाड़ों पे गर्मी तो लगती। एंड माय बाइक इज रेडी, बैग वगैरह मैंने बांध लिए हैं, तो अब निकलने को तैयार। बाय बाय ऋषिकेश, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। देहरादून 41 किलोमीटर और मसूरी यहाँ से 73 किलोमीटर, तो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे मसूरी पहुँचने में। तो मैं यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि मेरा पैर फिर से बाइक पे लग रहा था, ये देखिए यहाँ से फट गया है और वहाँ से भी, अगर आप देख पा रहे हैं तो, और ये रस्सी भी बैक के साथ बंधी हुई थी जो टूट गई है, वो मैं अभी दूसरा जुगाड़ करता हूँ, 2 मिनट लगेंगे जुगाड़ करने में। तो यहाँ धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है, ऊपर देख सकते हैं आप। देहरादून पहुंच गया हूँ और टाइम हो गया है एक बज चुका है दोपहर का, गर्मी काफी है। सही मौसम हो गया और आई थिंक बारिश आ रही है आगे, बहुत ठंडी हवा आ रही है। मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया और अब हल्की हल्की ठंड भी लगनी शुरू हो गई है, और ये ऊपर आप बादल देख रहे होंगे, बादल यहाँ वहाँ घूम रहे हैं वेले बन के, और ये पीछे गाड़ी वाला हॉर्न मार रहा है, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा। मसूरी, ये सामने सारा मसूरी है और ये बादल, और कैमरे के पीछे मैं जो भी दिखूंगा नहीं क्योंकि कैमरा मैंने अटकाया हुआ बाइक में। तो चलो फटाफट से होटल ढूंढते हैं, बस सामान रखते हैं, कैम्पटी फॉल चलते हैं। आई एम इन होटल और काफी छोटा सा रूम मिला क्योंकि ये सीजन का टाइम है, 4 दिन सब लोगों की छुट्टी है, तो पूरा मसूरी फुल पैक है और बड़ी मुश्किल से रूम मिला है। ये स्टेयर्स हैं जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, और दिस इज़ द व्यू जो मेरे रूम के बाहर से नज़र आ रहा है, तो मैं आपको अपना रूम भी दिखा देता हूँ एक बारी। रूम थोड़ा छोटा है लेकिन ठीक है, और लेकिन दिया बड़ा महंगा है, तो सीज़न के टाइम तो मसूरी आना ही नहीं चाहिए। बस इतना सा रूम है, वहाँ वॉशरूम है, और ये मेरी जैकेट बैग पड़ा है, सामने मिरर, और ये टीवी
बस इंटरकॉम लगा है, फोन करो, चाय वगैरह आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। तो रूम काफी छोटा है लेकिन ठीक है, अब काम तो चलाना ही है। लेकिन यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, आराम से यहाँ बैठ के चाय पियो, शाम को बारिश आ गई तो और मज़ा आ जाएगा। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ मसूरी। मौसम बहुत ही ठंडा है यहाँ, ये सारी उस तरफ मार्केट है। और वो व्यू पॉइंट है जो शाम को दिखाऊंगा, अभी तो फिलहाल अपनी बाइक की तरफ जा रहा हूँ। ये मेरी बाइक किसी ने साइड कर दी है, वहाँ खड़ी हुई थी जाते वक्त, किसी ने यहाँ कर दिया। चलो निकले कैंपटी फॉल के लिए। अगर आपको दिख रहा हो तो वो सामने केम्प्टी फॉल है, 1 किलोमीटर ही रह गया। वो भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं वहाँ जाके भी दिखाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा एक बार दूर से भी दिखा दूँ। वो ऊपर से पानी आ रहा नीचे तक। मैंने बाइक पीछे ही खड़ी कर दी है क्योंकि आधा किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। दिस इज ऑल केम्प्टी फॉल मार्केट और आई थिंक यहाँ से रास्ता है। ज़्यादा भीड़ है और अब मेरे को जगह देखनी है कहाँ घुसूँ अंदर, क्योंकि कहीं भी जगह खाली नहीं दिख रही। कोई भी 100 रुपये वो है, वो है। और ये मात्र 100 रुपये चप्पल।
मात्र 100 रुपये। नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ही बताएगा। ये भैया के शॉप में एंटिक सामान बढ़िया बढ़िया है, वॉचेज वगैरह। और मैंने यहाँ से एक छल्ला लिया है। भैया फोन असली है या वैसे ही शोपीस है? अच्छा, ये फोन शोपीस की तरह भी रख सकते हैं और वर्किंग भी है। बादलों से घिरा हुआ है पूरा ही, और ये सारे बादल ही बादल है। जन्माष्टमी की वजह से लाइटें लगी हुई हैं मंदिर में। ठंड काफी है तभी मैं निकट में घूम रहा हूँ। चिकन कबाब खाने का टाइम। ग्राउंड ऑफ मसूरी। मैंने छोले कुलचे पैक करा लिए और 2 ग्रीन एप्पल भी ले लिए, और मैंने तो ये भी लिया बैंड। अंकल मेरा एक हाफ तंदूरी है और एक चिकन टिक्का है, जल्दी कर दो पैक, भूख लग रही है बड़ी तेज। ये जल्दी आया हूँ मैं। अच्छा लेकिन बढ़िया कर देना, अच्छा कोयले और डाल लो, ये रूम पे जाके खाऊंगा। अब तो थक गया हूँ काफ़ी, जाके पहले आधा घंटा आराम करूँगा, फिर आराम से खा पी के सो जाऊँगा, फिर सुबह निकलता हूँ दिल्ली के लिए। देखता हूँ रास्ते में, हो सकता है पोटा साहब पे चला जाऊं। तो फ्रेंड्स मसूरी की जर्नी यहीं पे खत्म होती है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करना। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।